हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो रहते हैं ये खास पर्टिकुलर कैटेगरीज में ही फ्रेम्ड होते आते हैं, तो हम इसको पूरे वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी फॉर्म्ड, फर्स्ट कैटेगरी जो आती है कैन बी फॉर्म्ड। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सारे लेटर्स जो होते हैं, अल्फाबेट्स जो होते हैं, उनकी नंबरिंग आपको पता होना चाहिए अप टिल जेड तक। इसके लिए पर्टिकुलर एक मैंने वीडियो भी बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उसे देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और बेटर आपके लिए हो जाएगा। तो जैसे अल्फाबेट्स में हमें नंबर दिए होते हैं, तो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो वो आपको गेट थ्रू हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कैन बी फॉर्म्ड मतलब एक पर्टिकुलर स्पेलिंग दी रहेगी। जैसे आपको दिया है समिट, SUMMIT, और कुछ चार ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए जाएंगे। अब इस स्पेलिंग को देखकर, इन लेटर्स को देख के आपको पता करना होगा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी स्पेलिंग इन लेटर्स के थ्रू बनाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया हमारे पास SUMMOONTUPTUB, फिर उसके बाद दे दिया MIG, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये दे दिए, तो अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सी स्पेलिंग इन लेटर्स के यूज से बनाई जा सकती है, कैन बी फॉर्म्ड। तब अगर हम देखते हैं तो SUM इसमें ऑप्शन में है, ऐसे MOON तो यहाँ पर ओ तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। TUB तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कैन बी फॉर्म्ड फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस क्या आते हैं कि इस स्पेलिंग का यूज करके आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी स्पेलिंग बनाई जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, जैसे आपको दे दिया कि एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग दे दी और यहाँ पर चार ऑप्शन है, उस ऑप्शन में आपको दे दिया कि जैसे एक्सिस, ठीक है, और यहां पर दे दिया। तो इन चारों ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी स्पेलिंग जो कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बना सकते हैं। तो नहीं बनाने के लिए आपको ऑप्शंस में अल्फाबेट्स को देखना होगा। तो इसमें अल्फाबेट्स देखिए आप, X, I और S, तो ए तो आ रहा है लेकिन बाकी के अल्फाबेट्स नहीं आ रहे हैं। तो जो नहीं बना सकते हैं या जो अल्फाबेट्स नहीं आ रहे हैं, वही हमारा ऑप्शन बन जाता है सेकेंड कैटेगरी में। देन फिर उसके बाद नंबर से वर्ड बनाना, जैसे मैंने आपको बताया नंबरिंग पता होना चाहिए, तो आपको नंबरिंग दे देंगे, उससे कौन सा वर्ड आप बना सकते हो। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देन प्रेफिक्स और सफिक्स। प्रेफिक्स मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड, जैसे हम ले लेते हैं राइट, ठीक है, राइट मतलब लिखना। प्रेफिक्स मतलब इसके पहले, पहले लगा दिया जैसे री। तो चार ऑप्शन गिवन रहेंगे, उसमें से आपको पता करना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से लगाने से इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन वो भी मीनिंगफुल होगा, उसका मीनिंग जरूर होना चाहिए। जैसे री राइट मतलब फिर से लिखो। इसी तरीके से सफिक्स, सफिक्स मतलब वर्ड के बाद, जैसे हम ले लेते हैं क्विक, जल्दी से, सफिक्स मतलब उसके बाद लगेगा, तो LY, ठीक है। तो आपको उन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा कौन सा इस वर्ड की मीनिंग को यूजफुल बनाता है और कौन सा सफिक्स हमें लगाना। सफिक्स मतलब वर्ड के बाद, प्रेफिक्स मतलब वर्ड के पहले। तो इन कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, समझ में आए तो प्लीज शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स, मतलब इन लेटर्स का यूज करना है या इन्हें हमें ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद हमें इन चारों ऑप्शंस में से वो वर्ड सिलेक्ट करना है जो इसमें से नहीं बन पाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बन पाएगा। तो नहीं बनने के लिए हमें क्या हुआ, पर्टिकुलरली हर लेटर पे फोकस करना होगा, वो लेटर अगर इनमें होते हैं तो ही वो वर्ड बन पाएगा। तो हमें क्या पता करना है, जो नहीं मतलब इसमें कोई भी एक ऐसा लेटर होगा जो इन ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा PEPTIC, तो हम इसमें से देखते हैं PEPTI और C, तो इसमें ये सारे लेटर्स हैं तो ये वाला वर्ड तो बन जाएगा, लेकिन हमें पता करना है कैन नॉट। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं तो PEPPER, तो PEP, फिर एक और पी चाहिए, मतलब टोटल पी कितने हैं इसमें, तीन पी है, 1, 2 और 3। तो हमारे पास इसमें जो स्पेलिंग दी है इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही पी है, तो यही हमारा आंसर होगा जो कि बी है, क्योंकि इसमें वो लेटर्स हमें ढूंढने जो नहीं बना पाएंगे इस स्पेलिंग के थ्रू। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं, VECTOR, तो VECTOR, तो यस ये ऑप्शन है जो इस स्पेलिंग से बन पाएगा। देन हम रिसेट की बात करते हैं, RESET, तो RESET, आई है ये,
ये टी है। तो यस, इससे ये स्पेलिंग बन जाएगी इन अल्फाबेट्स के थ्रू। तो हमारा जो है इसमें पी हमारे पास थ्री होते अगर, तो ये स्पेलिंग बन जाती, लेकिन ये जो हमारे पास दिया हुआ है जिसके थ्रू हमें ये स्पेलिंग्स बनानी है उसमें थ्री पी नहीं आ रहे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जिससे स्पेलिंग नहीं बन पाएगी, ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन में दिया है आउट ऑफ दिस ओनली वन कैन बी फाउंड, मतलब जो बन सकता है किससे, यूजिंग द लेटर्स गिवन बिलो। ये जो लेटर्स दिए हुए हैं इनके यूज से इन ऑप्शंस में से कोई भी एक स्पेलिंग है जो हमारी बन पाएगी, तो ये वाले जो लेटर्स हैं उस स्पेलिंग में होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ई एम आई एन ई एन टी, तो ई एम आई एन ई एन टी, यस, तो ये वाले लेटर्स तो इस स्पेलिंग में आ रहे हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बाकी भी चेक करेंगे। ई एन टी आर ए एन सी ई, ठीक है, तो ई एन टी आर ए नहीं आ रहा है, तो ए जो है ये इसमें नहीं आ रहा है इस स्पेलिंग में। ठीक है, देन फिर हम ये वाली भी देख लेते हैं, ई एन टी ई आर टी ए, देन अगेन ए भी आ रहा है इसके अंदर, तो ए वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, एज वेल एज इसमें क्या है, दो टी आ रहे हैं देखिए, लेकिन हमारा जो लेटर दिया हुआ है या जो हमारे वर्ड दिया हुआ है इसमें टी लेटर दो बार नहीं है, तो टी भी इसमें दो बार नहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है। देन फिर मूवमेंट की बात कर लेते हैं, तो इस वाली स्पेलिंग में एम जो ये हमारा ऑप्शन है इसमें एम एम दो बार रिपीट हो रहा है, तो एम इज ऑल्सो नॉट कमिंग इन द स्पेलिंग गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये वाले सारे तीन ऑप्शंस जो हो रहे हैं इनमें पर्टिकुलर एक एक लेटर या दो लेटर के कारण ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, एमिनेंट वो इसमें लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, ई एम आई एन ई एन टी, ठीक। इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर सीरियली नंबर्ड, वन ऑफ द आंसर्स गिवन बिलो हैज अ मीनिंगफुल वर्ड हिडन इन इट आइडेंटिफाइड। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी जो जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, अगर हम उनको नंबर्स दे देते हैं जैसे कि ए बी सी, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे करके अगर हम जेड तक जाते हैं तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो अगर हम उसको सीरियली नंबर करते हैं, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट जो ए है उसको वन दिया, देन उसके बाद बी आता है तो उसे टू दिया, सी को थ्री दिया, ऐसे करके पूरे अल्फाबेट्स को एक के बाद एक नंबर देते जाएंगे जैसे जैसे वो ए बी सी डी आगे बढ़ती जाती है। तो वन ऑफ द आंसर इनमें से कोई भी एक आंसर होगा जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, मतलब जिसका कोई मीनिंग होता है जो हमें पता है, तो वो हम यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखेंगे और इसमें एक हिडन वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको अगर ए बी सी डी ये जो है इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें सब में मैंने अल्फाबेट्स को नंबर दिए हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर हर नंबर के लिए एक लेटर होता है उसमें, तो हम लिखते हैं 13 जो है हमारा एम बताता है ये इनके लिए है। ठीक है, फिर एच आता है 8 के लिए, फिर आई आएगा, देन क्यू, एन और वी, ये पर्टिकुलर नंबर्स के लिए अल्फाबेट होता है अल्फाबेट सीरीज में, तो ये सारे हैं। तो इससे जो वर्ड बन रहा है एम एच आई क्यू एन वी, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड बना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। देन फिर हम इनकी नंबरिंग जो दी हुई है इनके लिए हम अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, तो सबके लिए पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, मैंने जैसे आपको बताया ए होता है, देन एल जी ई बी आर और ए, तो यहां पर इन नंबर से जो वर्ड बन रहा है वो एल्जेब्रा है, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। देन पर हमें सारे देखने होंगे, सब पे हमें नंबर्स के लिए अल्फाबेट लिखना ही होंगे। वन वन के लिए ए, देन जी ई एल आर ए। जब हम इस स्पेलिंग को पढ़ते हैं तो ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, बाकी हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अल्फाबेटिक लेटर्स आ रहे हैं, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे डी यू जी आर एम और ए। आप अल्फाबेट्स देखेंगे, उनके नंबरिंग देखेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है बी, जो कि अल्जेब्रा एक बहुत बढ़िया मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है।